हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आप सभी लोगों को जय श्री राम। तो भाई, भूल भुलैया 3 का धमाकेदार टीजर मार्केट में उतार दिया गया है। मैंने तो देख भी लिया है, हो सकता है तुम लोगों ने भी देख लिया होगा। तो आइए बात करते हैं कैसा है ये टीजर। भूल भुलैया 3 इस साल की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म थी। ठीक क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो में आगे पता चलने वाला है। और इस टीजर को मैंने धमाकेदार टीजर इसलिए बोला क्योंकि इस फिल्म में ओल्ड मुंजोलिका इज बैक और इस फिल्म में कुछ नए एक्टर्स की भी एंट्री हुई, जैसे कि तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित। टीजर की बात करें तो टीजर की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। बीफिक साउंड क्वालिटी एकदम दमदार मस्त है। टीजर में माधुरी दीक्षित का चेहरा कहीं पर भी नहीं दिखाया गया, यानी कि पिक्चर में उनका रोल काफी कमाल का होने वाला है। कार्तिकारियन भी फुल कॉन्फिडेंस लग रहे हैं क्योंकि पार्ट 2 में पब्लिक ने इनको अक्षय कुमार की जगह पर एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन पार्ट 3 में पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पब्लिक कहीं ना कहीं अक्षय कुमार की जगह पर कार्तिक आर्यन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। और भूल भुलैया बिना अक्षय कुमार के अनकंप्लीट फिल्म लग रही, बस आप उसे जबरदस्ती का भूल भुलैया नाम क्यों दे रहे हैं इस बात का मुझे कोई अंदाजा नहीं है। क्योंकि अगर अपना अक्की भाई इस फिल्म में होता तो शायद इस टीजर की बात कुछ और होती, शायद मेकर्स के पास अक्षय कुमार को कास्ट करने के पैसे नहीं थे। देखो, फिल्म का टीजर जिस हिसाब से दिखाया गया, टीजर में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, बस ऑडियंस अपने अक्की भाई को काफी ज्यादा मिस कर रही है इस टीजर को देखकर। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भूल भुलैया 3 में अक्षय कुमार का कैमियो देखने को मिलेगा। भाई देखो, टीजर को देखने पर कहीं पर भी अक्षय कुमार का नामो निशान नहीं है, तो ये बात पहले से ही क्लियर हो जाती है कि फिल्म के अंदर अक्षय कुमार का कोई भी कैमियो नहीं होने वाला है। कैमियो होगा तो सिर्फ छोटे मियां का, जिसकी एक झलक टीजर में दिखाई भी गई है। जब इस टीजर को मैंने 2 से 3 बार देखा तब मेरी समझ में आया कि भाई ये जो सिंहासन उठाने वाला सीन है कोई घूस बम वाला सीन नहीं बल्कि ओवर एक्टिंग वाला सीन है। उसके बाद एक दूसरा सीन आता जहां पर विद्या बालन अपना सिर हिलाती हुई नजर आ रही है और इस सीन को लिखा पढ़ी में ओवर एक्टिंग घोषित कर दिया गया है और इस ओवर एक्टिंग की वजह से विद्या बालन का रुपया काटा जाए क्योंकि हमें पसंद नहीं आया। इस फिल्म की हाइप काफी अच्छी खासी थी, लेकिन टीजर में ओवर एक्टिंग की वजह से हाइप के तो लौड़े लग ही गए और फिल्म के भी लगने वाले हैं क्योंकि इस फिल्म का क्लैश होने वाला है कॉप यूनिवर्स की फिल्म सिंघम अगेंस्ट और इस फिल्म में देवगन, रणबीर सिंह, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ जैसे कई बड़े बड़े एक्टर शामिल हैं और ये दोनों फिल्में आपस में टकराएंगी नवंबर को। लेकिन जिस तरीके से भूल भुलैया 3 का टीजर काटा गया, उसमें ओवर एक्टिंग दिखाई गई है, उसे देखकर तो अब यही लगता है कि सिंघम अगेन के सामने ये फिल्म मिट्टी के कण बराबर भी नहीं है। अब भूल भुलैया 3 को सिर्फ और सिर्फ उस फिल्म का ट्रेलर ही बचा सकता है। अगर उसमें भी ओवर एक्टिंग देखने को मिलती है तो तुम यकीन मानो पिक्चर रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगी। और इस फिल्म में पुरानी कास्ट की वापसी की गई, कुछ नए चेहरे भी सामने लाए गए, तो वहीं पर इस फिल्म में जो ओवर एक्टिंग देखने को मिल रही है पब्लिक को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा। ये टीजर ना एकदम कूड़ा टीजर निकला है, चप्पल छाप टीजर जिसे बोलते हैं। ये टीजर मुझे तो नहीं पसंद आया और ना ही तो पब्लिक को आया होगा, इसलिए इस टीजर को हमारे चैनल की तरफ से मिलते हैं 5 में से पूरे 1.5 स्टार। तुम कितने स्टार रेटिंग करोगे कमेंट में बताना और ऐसी वीडियो और इन्फॉर्म जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मैं तुमसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।